Hello guys, welcome back again on your YouTube channel. Hope you're creating something new every day. Okay, आज की वीडियो में हम बात करेंगे how to get motivated all the time to learn UI and UX design. इसमें भी टोटल कुछ 5 स्टेप हैं जिसको फॉलो करके आप रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए let's start with the intro. Okay, पहला स्टेप है हमारा find a partner for this journey. ये काफ़ी नॉर्मल सा स्टेप है. लाइक कंपटीशन चाहिए हमें. हम बिना कंपटीशन के कुछ नहीं करते. हमेशा जेलस ये सबके अंदर रहता है. तो आप इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो. लाइक कोई भी एक पार्टनर चूज करो और रोज़ नया नया चीज़ क्रिएट करो. इससे आप रोज़ कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हो. रोज़ आपका दिमाग चलेगा और आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है हमारा सेट ए डेडलाइन फॉर योरसेल्फ. ये भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूँगा इसे, क्योंकि डेडलाइन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई आप काम कर रहे हो, अगर आपको डेडलाइन नहीं है आपके पास. हमारे कॉलेज में भी ये होता था. असाइनमेंट हम लास्ट डेट में सबमिट करते थे. लास्ट डेट में सबमिट करते थे इसका मतलब ये नहीं कि हम फर्स्ट डे पे वो चीज़ कंप्लीट कर चुके होते थे. हम वो लास्ट डेट पे ही कंप्लीट करते थे और लास्ट डेट पे सबमिट करते थे. सो डेडलाइन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप डेडलाइन जितनी कम दोगे उतना दिमाग आपका ज़्यादा चलेगा और उतना जल्दी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करोगे. चलो मूव टू नेक्स्ट स्टेप. ब्लॉक आउट योर टाइम विद लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. ब्लॉक आउट टाइम को ब्लॉक आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप दिन भर में 2 घंटे निकालते हैं आप यूआई यूएक्स डिजाइन सीखने के लिए, जिसमें से 1 घंटा आप सीखो, लर्न करो, थ्योरी पढ़ो, और दूसरे जो आवर्स हैं, जो सेकेंड आवर्स हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करोगे उतने आगे बढ़ोगे. लाइक प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट पॉइंट है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 4, पब्लिश योर वर्क. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप हर रोज अपने वर्क को पब्लिश करोगे, लोग उस पर फीडबैक देंगे. आगे स्टेप आने वाली है ये. आप अपने वर्क को पब्लिश करो, बहुत लोग देखेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो. और अच्छा, आपने जो पार्टनर चूज़ किया है उसे भी कहो कि ऑनलाइन वर्क अपलोड करें. इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं जिस पर ज़्यादा लाइक्स आया है, हाँ उसका डिज़ाइन अच्छा है, जिस पर ज़्यादा अच्छा कमेंट्स आए, एक पॉइंट बनता है. यू गॉट माई पॉइंट, राइट? ओके, तो या पब्लिश योर वर्क ऑनलाइन बहुत सिंपल स्टेप है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, मानो लास्ट स्टेप है हमारा टेक ए फीडबैक वेदर गुड और बैड. देखो, हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ लोग होंगे जिस जो इस चीज़ को पसंद करते होंगे और कुछ लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती होगी. दैट्स ओके, दुनिया में ये चलता है. इंपॉर्टेंट है, कोई आपके काम की बुराई कर रहा है दैट मीन्स ये नहीं है कि आप काम बुरा कर रहे हैं. क्या पता उसको वो चीज़ पसंद ना आ रहा हो, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और कुछ और नया डिजाइन बनाओ. समझ रहे हो? तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ. सब्सक्राइब करोगे उतना ये वीडियो फैलेगी, उतने लोग सीखेंगे और उनको जानकारी मिलेगी, और आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खासकर डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें. हम वहाँ पर बात कर सकते हैं काफ़ी, और आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं. होप ये वीडियो पसंद आया होगा. ओके, पीस, बाय, टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव.